सतना में विश्व हिंदू संगठन द्वारा अनूठा प्रदर्शन किया गया। शहर में अवैध रूप से संचालित मास्क की दुकानों को बंद कराने के लिए प्रदर्शन किया गया। वहीं नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पैसा लेकर दुकानों को संचालित करने का भी आरोप लगाया गया है। हिंदू संगठन ने निगम कार्यालय पहुंचकर स्वास्थ्य अधिकारी को पैसा और ज्ञापन दिया और कहा कि जब पैसा लेकर संचालित हो रही अवैध मास्क की दुकानें तो पैसा लेकर बंद भी की जाएं दुकानें। सतना में एक हिंदू संगठन ने ज्ञापन के साथ नगर निगम अधिकारी को नोट थमाया। दरअसल सतना स्मार्ट सिटी में अवैध मास्क की सैकड़ों दुकानें अवैध रूप से खुली हैं। पूरे शहर में जगह जगह मास्क की बिक्री हो रही है। नवरात्रि चल रही है, इसके बावजूद भी निगम अमला इन दुकानों को बंद नहीं करा पाया। हिंदू संगठन लगातार इन दुकानों को बंद करने की मांग करता रहा, लेकिन निगम का अमला इन्हें बंद नहीं करा पाया। जबकि प्रदेश सरकार ने भी पूरे प्रदेश में इन तरह की दुकानों को हटाने के आदेश जारी किए हैं। हिंदू संगठन का आरोप है कि निगम का अतिक्रमण दस्ता इन दुकान संचालकों से पैसा लेता है और अवैध वसूली करता है। ऐसे में आज संगठन ने नगर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के साथ अधिकारी को हिंदू संगठन ने पैसा भी दिया और कहा जब पैसा लेकर दुकानें संचालित कराई जा रही हैं तो पैसा लेकर इन्हें बंद किया जाए। हिंदू संगठन चंदा एकत्रित कर पैसा देने को तैयार है। हालांकि निगम प्रशासन ने ज्ञापन के साथ मिले चंदे को वापस किया और आज ही जाकर सभी अवैध मास्क की दुकानों को बंद कराने का आश्वासन दिया है। पैसा लेकर के उन दुकानों को खुलवाया गया है। कुछ कर्मचारियों की उसमें संलिप्तता थी, कर्मचारियों ने ही पैसा लेकर के दुकानों को खुलवाया था। तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने ये तय किया कि यदि वो लोग पैसा दे करके दुकान खोल सकते हैं तो हम भी पैसा दे करके उन दुकानों को बंद करवाएंगे। और अभी हम लोगों ने सांकेतिक रूप से अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ही कुछ पैसा इकट्ठा करके देने का निर्णय किया है और ज्ञापन के साथ हम लोग कुछ पैसा दिए हैं। और यदि आवश्यकता पड़ी तो हिंदू समाज का बहुत बड़ा दिल है, बहुत पैसा हम लोग इकट्ठा करके देंगे, लेकिन दुकानें नहीं खुलने देंगे। अवैध रूप से एक भी मास्क की दुकान शहर में होगी वो जिस तरह से बंद होगी, सख्ती से, पैसे से, जो भी हमको करना पड़ेगा कर करके और उन दुकानों को हम बंद करवाएंगे। आवश्यकता पड़ी तो आगे और पैसा इकट्ठा करेंगे और देंगे, लेकिन दुकानें बंद करवा करके रहेंगे। ये खुले में अवैध रूप से मांस मछली की जो दुकानें हैं उन्हें बंद करने के लिए, वैसे भी ये 9 दिन इन दुकानों को हम बंद करवाते हैं और बंद ही रहेंगी, ये हम करेंगे। हम देखने जाएंगे, अभी हम हर दिन जाते हैं, अभी भी जाएंगे, अभी देख के उनको बंद करवाएंगे। वो मैंने वापस कर दिया जिसका जो पैसा था।